हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में और लेकर के आ गए वर्ष 2023 से जुड़े 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो एमवी सुचिंद्र कुमार। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे एमवी सुचिंद्र कुमार और ये थल सेना के 45वें उप प्रमुख बने हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो बीवीआर सुब्रमण्यम। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे बीवीआर सुब्रमण्यम। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं, तो राजीव रघुवंशी। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे राजीव रघुवंशी। चौथा क्वेश्चन है कि इक्वेटोरियल गिनी के पहली महिला पीएम कौन बनी है, तो मैनुएला रोकाबोटी। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे मैनुएला रोकाबोटी। पांचवा क्वेश्चन है कि फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं, तो शैलेश पाठक। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे फिक्की के नए महासचिव शैलेश पाठक। छठा क्वेश्चन है कि नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो बोला टिनुबू। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला टिनुबू। सातवां क्वेश्चन है कि एसएसबी के नए डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन बनी है, तो रश्मि शुक्ला। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि एसएसबी के नए डीजी रश्मि शुक्ला हैं। आठवां क्वेश्चन है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं जिनका नाम है ओ वान थुओंग। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे ओ वान थुओंग। नौवा क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी टीम के नए कोच कौन बन चुके हैं, तो क्रेग फुल्टन। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे क्रेग फुल्टन, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व प्लेयर हैं। दसवां क्वेश्चन है कि मेघालय के नए मुख्यमंत्री यानी कि सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो कॉनराड संगमा। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये रहे कॉनराड संगमा, ये मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो पूरा उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे कुछ इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।